हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्या स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में कि पोर्टलैंड सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। ठीक है, ये जो फ्लोशीट आप देख रहे हैं पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए है। तो ये फ्लोशीट समझने से पहले आप ये देख लीजिए कि पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं और उनमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो पहले रॉ मटेरियल्स देखिएगा। रॉ मटेरियल्स में क्या है, फर्स्ट नंबर पर ले तो लाइम स्टोन एंड सेकेंड क्ले एंड थर्ड जिप्सम एंड फोर्थ वाटर। ये इसके मेन रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है, अब इसमें लाइम स्टोन का फार्मूला देखिएगा। जो लाइम स्टोन का फार्मूला होता है CaCO3, ये इसका फार्मूला होता है। एंड जो एक क्ले होता है, क्ले में देखिए हमें दो मटेरियल्स मिल जाते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कौन कौन से मिलते हैं, हमें एक सिलिका मिलता है और एक एल्यूमिना मिलता है। सिलिका यानी कि SiO2 एंड एलुमिना Al2O3। ठीक है, ये हमें दो रॉ मटेरियल्स इससे मिल जाते हैं क्ले से। ठीक है, और बाकी जिप्सम और वाटर का यूज होता है। ठीक, अब इसमें इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन देखिएगा। रिएक्शन में देखिए क्या होगा था? पहले जो हमारा लाइम स्टोन होता है यानी कि CaCO3, इसको जब हाई टेम्परेचर देते हैं यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर देते हैं, तो ये डिकम्पोज होकर क्या होता है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये बनाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये जो CaO था हमें यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस जो हमें क्ले में मिला सिलिका और एलुमिना, इसको जब इससे रिएक्ट कराते हैं SiO2 प्लस Al2O3। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से देखिए क्या होता है, हमें एक मिक्सचर मिलता है। मिक्सर क्या मिलता है, देखिएगा, मिक्सर ऑफ जिसमें क्या होता है C3S का मतलब क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, प्लस क्या मिलता है इसमें, और क्या मिलता है इसमें, एक C2S, इसको C2S का मतलब क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक, एंड थर्ड जो मिलता है हमें C3A का मतलब क्या हुआ, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। ठीक, ये तीन चीज़ें मिलती हैं। ठीक, अब देखिए आप फ्लोशीट देखिए, उसके बाद आपको केमिकल रिएक्शन ये समझ में आ जाएगी अच्छे से। ठीक, फ्लोशीट में देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, लाइम स्टोन और क्ले को क्या करते हैं, एक क्रशर के थ्रू उसे क्रश करते हैं यानी कि उसके साइज को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके साइज को रिड्यूस करते हैं। ठीक, लाइम स्टोन और क्ले को, तो यहाँ से क्या होता है, क्रशर में ले जाते हैं। क्रशर में क्या होता है, उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद इस क्रशर से निकालने के बाद क्या होता है, इसको हम बॉल मिल या ट्यूब मिल में डालते हैं, बॉल मिल या ट्यूब मिल में, जहाँ से वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बॉल मिल आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे MOSH में यानी कि मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग में, उसमें देखिएगा बॉल मिल में कैसा रहता था, ये कोनिकल टाइप में होता था और थोड़ा इंक्लाइंड में सेट होता है ये, और इसमें क्या होता है, डिफरेंट साइज के बॉल्स होते हैं जो कि जब ये रोटेट करता है, ये जो मिल रोटेट करती है तो क्या होता है, उसमें बॉल्स भी रोटेट करते हैं, जो आपस में टकराते हैं तो उसके बीच में जो भी मटेरियल आते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते जाते हैं। ठीक है, मतलब टूटते जाते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलता है, जो लाइम स्टोन और क्ले था यहां से तो इसके साइज रिड्यूस हुआ, उसके बाद बॉल मिल या ट्यूब मिल में ले जाते हैं, वहां पर क्या होता है, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पाउडर फॉर्म में जो मिक्सर हमें मिलता है, उस मिक्सर को क्या करते हैं, एक टैंक में डालते हैं जिसको हम स्लरी टैंक बोलते हैं। ठीक है, स्लरी टैंक। अब इस स्लरी टैंक में देखिए क्या, एजिटेटर लगा हुआ है। अब इस एजिटेटर क्या करता है, इसमें हम इस स्लरी टैंक में वाटर को मिक्स करते हैं, किसको, H2O को मिक्स करते हैं इस पाउडर को में। ठीक है, जब इसमें मिक्स करते हैं तो यहां पे हमें एक स्लरी फॉर्म होता है। ठीक है, यहां से क्या हुआ, ये पाउडर आया और यहां उसमें हम वाटर को मिक्स किए। ठीक, जब मिक्स करते हैं यहां पे तो हमें एक स्लरी फॉर्म होता है, स्लरी बनती है। उस स्लरी को क्या करते हैं, हम रोटरी ड्रम फिल्टर में ले जाते हैं। ये रोटरी फिल्टर जो है, आप इसे भी फर्स्ट ईयर में ही MOSH सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, रोटरी ड्रम फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे ले जाते हैं। अब ये रोटरी ड्रम फिल्टर क्या होता है, इसका ओवरव्यू हम आपको थोड़ा बता दे रहे हैं। रोटरी ड्रम फिल्टर में देखिए एक ड्रम होता है और एक, ये देखिए, एक प्रकार का टैंक टाइप में ही होता है जिसमें ड्रम सेट रहता है। इस ड्रम का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, परफोरेटेड होता है यानी कि उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उस ड्रम पे क्लॉथ को लपेटा जाता है, क्लॉथ होता है फिल्टर क्लॉथ, उस फिल्टर क्लॉथ को लपेटा जाता है और इस ड्रम के अंदर जो होता है खाली रहता है, मतलब हॉलो होता है। तो इसमें क्या होता है कि वैक्यूम क्रिएट करते हैं, इस ड्रम के अंदर में क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। और ड्रम क्या होता है, परफोरेटेड होता है,
होता है छोटे छोटे छिद्र, और उसके ऊपर क्या होता है फिल्टर क्लॉथ लगा रहता है, और इस टैंक में क्या होता है हमारा जो स्लरी था स्लरी को यहाँ पे डाल देते हैं ठीक। जब इसमें क्या होता है जब वैक्यूम क्रिएट करते हैं और ये जो ड्रम है ये रोटेट करता रहता है, इसलिए इसको रोटरी ड्रम फिल्टर नाम दिया जाता है। तो ये रोटेट करते रहता है, तो जब रोटेट करता है तो इसमें देखिए जो स्लरी था स्लरी अब अंदर तो वैक्यूम है तो क्या करेगा वैक्यूम स्लरी को खींचेगा, स्लरी को क्या करता है खींचता है, लेकिन उसके जो ड्रम के ऊपर है उस पर क्या लगा रहता है हमारा फिल्टर क्लॉथ। तो फिल्टर क्लॉथ लगे होने के कारण इसमें से जो स्लरी में से वाटर क्या होता है फिल्टर हो जाता है, वाटर फिल्टर होकर अंदर चला जाता है, वो अंदर से हम उसे बाहर निकाल लेते हैं, वो प्रोसेस अलग होता है, मतलब इसमें नहीं सोखिए हम क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू आपको हम बता रहे हैं। तो वहाँ से फिल्टर हो जाता है और जो स्लरी था उस फिल्टर क्लॉथ पे क्या होता है जमने लगता है और हमें केक बनने लगता है, वहाँ पे क्या होता है केक फॉर्म होने लगता है, यहाँ पे केक बनने लगता है ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है इस पे केक जो बनने लगता है इस केक को क्या होता है साइड में देखिए एक ब्लेड लगा रहता है, यहाँ पे एक ब्लेड लगा रहता है स्क्रैपिंग ब्लेड बोलते हैं इसे। तो ब्लेड क्या करता है जो केक होता है इस केक को काटते रहता है, जैसे जैसे केक बनता जाता है उसे काटता जाता है, उस केक को क्या करते हैं हम इस रोटरी क्लीन में फीड करते हैं ठीक है। तो ये तो फिल्टर रोटरी ड्रम फिल्टर का काम था, और यहाँ पे जो केक नहीं जो केक या स्लरी यहाँ पे नहीं वो हमें यहाँ पे केक फॉर्म बन पाती है उसको हम रिसाइकल भी यहाँ से कर लेते हैं, फिर से बॉल मिल में डाल देते हैं ठीक है। तो यहाँ पे हमें केक मिल जाता है, यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम बॉल मिल में इसको क्या किए कि पाउडर फॉर्म में हुआ उसको स्लरी बनाया, स्लरी को रोटरी ड्रम फिल्टर में, यहां से हमें केक मिल गया ठीक है। अब इस केक को क्या करते हैं इस रोटरी क्लीन में डालते हैं, इसका सही नाम बोले तो डायरेक्ट फायर्ड काउंटर करंट रोटरी क्लीन होता है इसका नाम ठीक है। इसको डायरेक्ट फायर्ड और काउंटर करंट क्यों कहा जाता है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि यहां पे क्या होता है कोल को पाउडर फॉर्म में कोल होता है मतलब कोयले का पाउडर होता है, उसको क्या करते हैं यहाँ पे बर्न कराते हैं, मतलब इसमें डायरेक्ट फायर कराते हैं ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फायर होता है और इसमें जो ये केक जा रहा है केक जो जाता है और यहाँ पे जो ये जो फायर होता है और इधर से हम हॉट एयर को डालते हैं, तो इनका जो फ्लो होता है वो काउंटर करंट होता है। आप हीट ट्रांसफर में पढ़े होंगे काउंटर करंट फ्लो को करंट फ्लो, तो काउंटर करंट फ्लो में क्या होता है दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पे केक और जो हॉट एयर थी इन दो ये दोनों क्या होती है अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए इसको हम काउंटर करंट और डायरेक्ट फायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फायर होता है और रोटरी क्लीन किल्न तो ये है ही ठीक है। ये किल्न क्या होता है थोड़ा इंक्लाइंड होता है और ये रोटेट करता रहता है ठीक है, रोटेट करता रहता है। तो अब देखिए इसमें प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से जो केक था वो केक एंटर करेगा, तो इसमें थ्री जोन होते हैं, थ्री जोन कैसे इसको जोन में इसलिए जोन में ऐसे कैटेगराइज किया गया है टेम्परेचर के बेस पे कैटेगराइज किया गया है। इधर क्या होता है देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट कोल फायर होता है, तो जब फायर होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस साइड वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा डाउन होगा। तो यहाँ पे लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर होता है जिसको हम क्लिंकर जोन बोलते हैं, उसके इधर क्या होता है लगभग बीच में क्या होता है 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और इधर एकदम फर्स्ट जहाँ पे केक इंटर करता है जहाँ पे केक को फीड करते हैं वहाँ पे लगभग 400 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको हम ड्राइंग जोन बोलते हैं ठीक है। तो क्या होता है जब केक एंटर करता है तो यहाँ पे केक क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और यहाँ पे क्या होता है केक क्या होता है ड्राई हो जाता है, इधर से हॉट एयर आती है यहाँ पे वो फायर्ड होता है वैसे ही एयर और हॉट हो जाती है, और ये क्या होता है आते आते यहाँ पे ये एयर क्या करती है केक और एयर कांटेक्ट में आते हैं और केक को क्या करता है वो ड्राई कर देता है, और एयर क्या होता है यहाँ से देखिए एक ब्लोअर लगा हुआ ब्लोअर से बाहर निकल जाती है ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा जो केक था वो ड्राई हो जाता है। अब उसके आगे जाता है तो क्या होता है वहाँ पे जो 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वहाँ पे हमारा ये रिएक्शन होता है, वहाँ पे क्या होता है देखिए रिएक्शन होता है कैल्शियम जो कैल्शियम कार्बोनेट है यानी कि लाइमस्टोन है उस वो CaO में टूटता है, और CaO और जो क्ले था ये सब मिलके क्या हमें एक मिक्सर तैयार कर देते हैं C3S यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट का ठीक है। यहाँ पे एक मिक्सर तैयार होता है और आगे जब ये जाता है तो क्या होता है यहाँ पे क्लिंकर जोन है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो ये जो केक था वो क्लिंकर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इस क्लिंकर की जो साइज होती है 3 से 10 mm तक होती है, 3 से 10 mm तक की साइज होती है ठीक है। यहाँ से हमें क्लिंकर मिल जाता है ठीक, यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब ये हॉट क्लिंकर क्या होता है यहाँ पे क्योंकि हॉट क्लिंकर होगा ही क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्लिंकर क्या होता है देखिएगा इस रोटरी कूलर में आता है, रोटरी कूलर में जाता है। ये रोटरी कूलर भी क्या होता है एक इंक्लाइंड टाइप की एक सिलेंडर होती है, ये सिलेंडर होता है जो इंक्लाइंड रहता है और ये रोटेट करता रहता है ठीक है। तो ये रोटेट करता रहता है, यहाँ पे क्या होता है ये क्लिंकर आता है और इस रोटरी कूलर में देखिएगा इस रोटरी कूलर में क्या होता है इस साइड से क्या होता है एयर पास होती है, नेचुरल एयर इधर से जाती है,
और इधर से क्या होता है क्लिंकर आता है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ, काउंटर करंट फ्लो ही यहाँ पे भी हो रहा है, ट्रांसफर जो हो रही है यहाँ पे काउंटर करंट फ्लो से हो रही है। और आप ये जानते ही होंगे कि काउंटर करंट फ्लो में हीट ट्रांसफर सबसे बेस्ट होती है, ठीक है, मतलब सबसे अधिक होती है, ठीक। तो काउंटर करंट फ्लो यहाँ पे होता है, तो इधर से एयर आता है, इधर से क्लिंकर आता है। ये क्लिंकर क्या होता है कि इधर आते आते क्या होता है कि कूल हो जाता है, क्योंकि एयर से कॉन्टैक्ट रहता है, तो ये क्या होता है कि एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये कूल हो जाता है, और ये एयर क्या होती है हॉट हो जाती है। और ये हॉट एयर क्या होती है, इधर देखिए ब्लोअर है, ये ब्लोअर इस एयर को इधर सक करता है, उसके बाद यहाँ पे क्या करता है डिलीवर कर देता है, जो कि कोल बर्न होता है, उसके साथ ये निकल के इधर से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये एयर यूटिलाइज हो जाती है, और यहाँ से ये जो हमारा क्लिंकर था वो क्लिंकर भी क्या हुआ हमारा कोल्ड हो गया, क्या हुआ इस यहाँ पे कोल्ड हो गया कूलर में, ठीक। अब यहाँ से हमें कूल क्लिंकर क्या होता है मिलता है। अब इस क्लिंकर को क्या करते हैं हम, एक देखिए स्टोरेज टैंक है, क्लिंकर स्टोरेज टैंक, इस क्लिंकर स्टोरेज टैंक में इस क्लिंकर को हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं। अब इसे स्टोर करने के बाद क्या करते हैं, देखिए इसको एक और प्रोसेस से गुजारते हैं, क्योंकि हमें सीमेंट पाउडर फॉर्म में चाहिए होता है, तो इसको हम ट्यूब मिल या बॉल मिल से गुजारते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्यूब मिल या बॉल मिल, हमें पाउडर फॉर्म में ही करना है तो यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी ट्यूब मिल या बॉल मिल यूज हो सकता है, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं ट्यूब मिल या बॉल मिल में ले जाते हैं, और यहाँ पे हमें यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करते हैं जो कि होता है जिप्सम, यहाँ पे जिप्सम को हम मिक्स करते हैं, और ये जो क्लिंकर था वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और जिप्सम को मिक्स किया जाता है। अब ये जिप्सम क्यों मिक्स किया जाता है, तो इसका रीजन होता है, जिप्सम क्या होता है सीमेंट का जो सेटिंग टाइम होता है उसको रेगुलेट करता है, सेटिंग टाइम रेगुलेट करता है। कैसे, देखिए क्या होता है, जैसे जो सीमेंट होता है, सीमेंट को जो अगर वाटर के कॉन्टैक्ट में लाएंगे, अगर जिप्सम को न मिलाया जाए, जिप्सम न जाए तो वाटर के कांटेक्ट में आते ही क्या होता है सेटल हो जाएगा, मतलब वो जमने लगेगा, ठीक है। तो उसको जमने की जो टाइम है, सेटिंग टाइम है, उसको बढ़ाने के लिए एक प्रकार से बोल रहे हैं, तो जिप्सम का यूज किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका जिप्सम का यूज किया जाता है यहां पे। तो यहां पे जिप्सम को मिक्स किया जाता है, और एक क्लिंकर जो है वो क्या होता है इस बॉल मिल में वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इतना फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है कि वो लगभग 200 मेस के जाली से पास हो जाता है। 200 मेस का मतलब समझ, मेस नंबर आप समझ रहे होंगे, ये भी हम एसएसएस में पढ़े होंगे, मेस नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ ओपनिंग पर लीनियर इंच इज कॉल्ड मेस नंबर, ठीक है, मतलब एक लीनियर इंच में 200 छिद्र होंगे छोटे छोटे, ठीक है। उससे क्या होता है ये पाउडर पास हो जाता है, उसके बाद उसको क्या करते हैं सीमेंट को हम बैगिंग कर लेते हैं, मतलब बैग में भर देते हैं, उसके बाद इसको बैगिंग करने के बाद शिपिंग करेंगे, और कहीं डिलीवर करना हो, जहां भी हमें मार्केटिंग करना है वो करेंगे, ठीक है। मतलब यहां से हमें क्या होता है पोर्टलैंड सीमेंट तैयार हो जाता है, यहाँ से हमें पोर्टलैंड सीमेंट मिल जाता है, ठीक। तो ये रहा आपका प्रोसीजर कि पोर्टलैंड सीमेंट कैसे मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पोर्टलैंड सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है।